हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे एंड अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, कब तक होगा एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। रीडिंग मैक्सिमम रीडिंग्स की तरह टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। सभी जोडियक साइन, सभी जेंडर, सभी रिलीजियन, सभी कास्ट के लोग इस रीडिंग को ओपनली ओपन माइंड के साथ चेक कर सकते हैं। जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लें, जो ना रेजोनेट करे उसे जाने दें। उस सेकंड के लिए मेडिटेट करें, अपने पर्सन का नाम मन ही मन में लें एंड एक पॉजिटिव एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक करें। जल्दी से पॉजिटिविटी सेंड करें, वीडियो को लाइक करें। ओम नमः शिवाय, ओम साई राम। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के प्यारे प्यारे पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। पर्सनल करंट एनर्जीज। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल और सेकंड कार्ड है हमारा फोर ऑफ सोर्ड्स। पर्सनल एनर्जीज ऐसी है कि काफ़ी भाग दौड़ कर ली उन्होंने और अब थक कर थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं कि जहाँ उन्होंने भाग दौड़ की है, जहाँ उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं, अब उनको रिजल्ट मिले। फाइनेंसेस, करियर, अबंडेंस, इन सब चीज़ों पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस है एंड वहीं कुछ फाइनेंसेस स्टक हो सकते हैं। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो रॉन्ग साइड हो गई है या कुछ ऐसे उधार हैं जो वो चुकता नहीं कर पा रहे हैं या कहीं उनका पैसा फंस गया है और उनको मिल नहीं पा रहा है, वैसी वाइब्रेशंस भी आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा मुझे आ रही है, जिनमें वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं और काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं और एफर्ट लगाते लगाते भी ऑलमोस्ट थक चुके हैं और अब वेट और वॉच की एनर्जी है, प्रेयर की एनर्जी है, रेस्ट एंड रिजुवनेशन की एनर्जी है एंड एक ऐसी एनर्जी है कि अब थोड़ा सा रुक जाता हूँ या रुक जाती हूँ, आगे जो होगा अच्छा ही होगा। तो थोड़ी सी वैसी वाइब्रेशंस यहाँ पर आ रही हैं। अब मैं चेक कर रही हूँ आपके पर्सन की आपकी तरफ एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की, पर्सन्स की, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की तरफ एनर्जीज कैसी हैं। फ्रेंड्स, 422, 1331 आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ना इम्पॉर्टेंट नंबर्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। 119, 28, 10 इम्पॉर्टेंट नंबर्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। 211, 29, 20 जोडियक्स की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है। हो सकता है ये जोडियक साइंस आपके लिए प्रोमिनेंट हों या आपके पर्सन के लिए। मैं स्ट्रांगली फ्रेंड्स फील कर पा रही हूँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन ना आपको मिस तो कर ही रहे हैं यहाँ पर, जो मैं फील कर पा रही हूँ, लेकिन साथ ही मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि अब आपके पर्सन ना आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देना चाहते। इस रिश्ते को बहुत संभाल कर, बहुत केयर करके, बहुत प्यार करके, पैम्पर करके रखना चाहते हैं। अपने इमोशंस इस रिश्ते पर स्पेंड करना चाहते हैं, अपना टाइम इस रिश्ते पर स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी अटेंशन इस कनेक्शन को देना चाहते हैं। स्लो एंड स्टेडी आप दोनों के कनेक्शन में ग्रोथ चाह रहे हैं और आपको लेकर इमोशंस उनके इतने ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं आपको लेकर कि बस जब भी आपका नाम सुनते हैं, आपके कोई पिक्चर देखते हैं या आपको मिस करते हैं तो उनकी आँखें भर आती हैं, वैसी वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं। आपके पर्सन के मन में इस टाइम बहुत सारे इमोशंस हैं आपको लेकर और ये सारे के सारे इमोशंस ऑलमोस्ट पॉजिटिव हैं, तो बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी में हैं, इमोशनल एनर्जी में हैं, पॉजिटिव एनर्जी में हैं इस टाइम आपके पर्सन और आपको लेकर उनके मन में सिर्फ और सिर्फ प्यार है, सिर्फ और सिर्फ प्यार और बहुत सारा और बेशुमार प्यार। अगर मैं चेक करूं आगे तो टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपकी तरफ अगला कदम उठाना चाहते हैं। जिस भी साइड आपका कनेक्शन रुक गया है, अटक गया है, अब आपके पर्सन वन स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, स्लो एंड स्टेडी इस कनेक्शन पे
वर्क करना चाहते हैं एंड इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत चाहते हैं, और साथ ही में बहुत सारा प्यार और बहुत ज़्यादा एक दूसरे का साथ और विश्वास चाहते हैं। इस टाइम आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस की भी एनर्जी यहाँ पर आ गई है, हाई प्रिस्टिस की भी एनर्जी है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपके पर्सन ने ना कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई हैं, ये उनकी अपनी लाइफ के बारे में हो सकती हैं, उनकी लाइफ के बारे में कुछ ट्रॉमास, कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं, उनके लाइफ के बारे में कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक, किसी तरह का कोई सीक्रेट, किसी तरह का कोई डार्क साइड जो अभी तक उन्होंने आपको खुल के नहीं बताई। लेकिन अब आपके पर्सन ना क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अब आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, अब आपके पर्सन बिना डरे हुए आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। इंट्यूटिवली अब आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि इस कनेक्शन में ग्रोथ पॉसिबल है, और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि उस ग्रोथ के लिए उन्हें हिम्मत तो एटलीस्ट दिखानी पड़ेगी। अगर वो हिम्मत ही नहीं दिखा पाए तो चीज़ें कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगी। इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी मैच्योरिटी और इतनी अवेकनिंग उनमें हो चुकी है। आपके पर्सन डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को 2222 या फिर 4444 एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। अगर येस तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर रीडिंग पसंद आ रही है तो कमेंट्स में प्यारा प्यारा हार्ट सेंड करें। इस रीडिंग को अपने पर्सन को जरूर शेयर करें अगर वो आपके कॉन्टैक्ट में हैं तो, या फिर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिन्हें लगता है आपको इन रीडिंग की ज़रूरत है। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जो गलतियां आपके पर्सन से हुई हैं, जब जब उन्होंने आपको हर्ट किया है, दुखी किया है, परेशान किया है, चाहे वो जानबूझकर हो या फिर अनजाने में हो, उन चीज़ों का आपके पर्सन को बहुत गिल्ट है, रिग्रेट है, काफ़ी रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और 110% आपको सॉरी बोलकर अब इस कनेक्शन में रिकंसिलेशन चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं। और अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है तो अब थर्ड पार्टी भी उन्हें धोखा दे रही है, वैसी पॉसिबिलिटी भी आ रही है। अब मैं चेक कर रही हूँ फ्रेंड्स कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, कब तक होगा, एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के प्यारे प्यारे पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो यहाँ पर कार्ड है हमारा द स्टार, अमेजिंग। जो आप प्रेयर्स कर रहे हो, जो आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, कई लोग ग्रीन तारा मंत्र कर रहे हैं, उसकी चैंटिंग कर रहे हैं, जय हो माँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके प्रेयर्स, आपके मैनिफेस्टेशंस कबूल हो रही हैं, और जो आप बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो वही रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। बॉटम से मैं चेक करूँ तो सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो आपके पर्सन ना अभी तक आपसे छुपा रहे हैं, वो चीज़ें या तो आपको इंट्यूटिवली पता लगने वाली हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन, ड्यूरिंग ड्रीम्स, या फिर आपके पर्सन ये चीज़ें खुद आपको बताने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन खुद आपको बताएंगे इमीडिएट नेक्स्ट फ्यूचर ये होगा, एंड वहीं कुछ लोगों को इंट्यूटिवली समझ में आएगा कि आपके पर्सन के लाइफ में चल क्या रहा है, उनके क्या सीक्रेट्स हैं, किस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। कुछ आंसर्स आपको मिलेंगे, कुछ आपको इंट्यूटिवली मिलेंगे, एंड कुछ आंसर्स आपको आपके पर्सन से डायरेक्टली मिलेंगे। तो ये होने वाला है इस कनेक्शन का इमीडिएट फ्यूचर विद इन नेक्स्ट 17 to 20 आवर्स, दैट मीन्स विद इन अ नेक्स्ट डे और विद इन अ वीक। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपको ऐसा महसूस होगा कि अब आपके मन में डाउट्स कम हैं और अब आप अगेन इस कनेक्शन पे फेथ कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, और अगेन इस कनेक्शन पे विश्वास करके इस पर्सन को एक नया मौका दे सकते हो। वहीं आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी भी वाइब्रेशंस आ रही है, बहुत ही कम लोग होंगे कि जिनको पता लगेगा कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं, किसी किस्म का कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में हो सकता है आप लोग थोड़ा हार्ट ब्रोकन फील करें एंड आपको लगे कि इस पर्सन के साथ आपको रहना ही नहीं है। तो विद इन नेक्स्ट 7 days और विद इन अ डे जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसे रिजल्ट भी मिल सकते हैं, लेकिन उससे आपको डिसअपॉइंटेड होने की या फिर हार्ट ब्रोकन होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जिस क्लैरिटी को आप डिज़र्व करते हो, आई थिंक अगर वो आपको मिल जाए तो इससे वेल एंड गुड और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब मैं चेक कर रही हूँ फ्रेंड्स कि
आपके लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। और आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है ये वाला, जिसमें आया है रिलिंगिश सेल्फ इम्पॉर्टेंस। आपको खुद को इम्पोर्टेंस देनी है, किसी के भी चक्कर में आके अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना है। टेक योर लाइफ एंड एंजॉय इट, अपनी लाइफ को फील करो और उसको इन्जॉय करो। बी इम्यून टू अदर ओपिनियंस, जो जैसे हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करो और उनको वैसे ही डाइजेस्ट करने की इम्यूनिटी आपको बनानी पड़ेगी। बिकम इम्यून टू योर टू पॉइजन। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको यू नो इमोशनली डिस्टर्ब कर रहे हैं, या आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि आपको इमोशनल करके, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के आपका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, ताकि लोग आपका इमोशनली मिसयूज़ एटलीस्ट ना करें। और साथ ही में इम्यूनिटी लेवल, कुछ लोगों को अगर हेल्थ को लेकर इश्यूज़ चल रहे हैं तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, हेल्दी फूड खाएं, कुछ सप्लीमेंट्स लें डॉक्टर के एडवाइस से जो आपको सूट करते हैं, फ्रेश एयर में घूमें, थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा सा जिंदा दिल होकर जीने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।